हेलो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ क्या है आपका? सेक इनवर्स। सेक इनवर्स जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा सेक एक्स। क्या जानना पड़ेगा? सेक एक्स। तो सुनो, यहां पे आओ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्या क्या बोला मैंने? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सेक का वैल्यू, सेक 0 कितना होता है? 1। सेक 30 कितना होता है? 2/√3। सेक 45 क्या होता है? √2। सेक 60 क्या होता है? 2। सेक 90 क्या होता है? क्या होता है? 95। sec 0 इज 1, sec 30 इज 2/√3, sec 45 इज √2, sec 60 इज 2, sec 90 इज 95। तो सुनो, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये कितना आएगा आपका? 270 डिग्री, ये कितना आएगा आपका? 360 डिग्री। इधर ये -90 -180 आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सुनो। यहां नोटिस करो, फिर से यहां पे नोटिस करो, वेरी मिनट ऐसे रखो। हां तो सुनो, sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2, sec 90 95। ये सब वैल्यू में सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 1। बाकी सब 1 से बड़ा है। देखो ये 2 है, नीचे √3, √3 मतलब 1.73। 2 को अगर 1.73 से डिवाइड करो तो ऑफकोर्स 1 से ज्यादा है। √2 मतलब 1.41 होता है, जो कि 1 से ज्यादा है। 2 तो ऑलरेडी 1 से बड़ा है, और नॉट डिफाइन मतलब इनफिनाइट है, बहुत बड़ा है। दैट मींस व्हाट? सेक के केस में सेक का वैल्यू गिर के अल्टीमेट कहां तक आएगा? 1 तक आएगा। समझ में आया? तो ये 1 और इधर ये रखो -1। क्या बोला? ये 1 और इधर ये क्या रखो? -1। मिनिमम जो वैल्यू है, तो हमें क्या पता sec 0 कितना था? 1 था। sec 30 क्या था? 2/√3। मतलब क्या हुआ? ये 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक, देखो 0 से लेके 90 तक ग्रेजुअली वैल्यू इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? इंक्रीज। 90 में क्या हुआ? नॉट डिफाइंड। तो देखो, 0 से 90 में ग्रेजुअली वैल्यू इंक्रीज हुआ, और स्टार्ट कहां से हुआ? वैल्यू 1 से। यहां से इंक्रीज होके 90 को टच नहीं किया उसने, 90 में नॉट डिफाइन बोला गया है। तो इधर भी ऐसे जाएगा, बना लो। इधर जो -1 आएगा, यहां पे भी ऐसे ही होगा, 90 को टच नहीं करेगा, ये -1 को टच करके ऐसे निकलेगा। फटाफट बनाओ इसको। देखो क्या बोला मैंने, 0 से लेके 90 तक ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था, ऊपर गया। निगेटिव एंगल में भी आओगे तो sec माइनस थीटा जो sec थीटा होगा, पता है ना आप लोगों को? sec माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा अपराइज हो गया। फिर ये 90 और 270 का बीच में,
मतलब सेक जो क्या होता है ना, यहां सुनो, सेक जो है 90 का ऑड मल्टीपल में, 90 का क्या मैं बोला ऑड मल्टीपल में सेक का वैल्यू क्या होता है 95, और 90 का इवन मल्टीपल में प्लस माइनस 1 होता है। ओके, यहां पे देखो 180 था, 180 मतलब क्या होता है 92 जो 180 होता है, 2 जो इवन मल्टीपल है इसलिए सेक का वैल्यू माइनस 1, 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव है माइनस हो गया, यहां पे प्लस 1, फिर इधर में क्या आएगा, ऐसे जाएगा, देखो ये 2 पाई मतलब 360 है, 360 मतलब 90 इंटू क्या होता है 4, तो 90 का इवन मल्टीपल हुआ, 90 का इवन मल्टीपल होने से वैल्यू क्या बोला प्लस माइनस क्या बोला था 1 है, ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस 1, नीचे आने से क्या होगा माइनस 1 बना, हो गया। अगर ये हो गया तो अभी आप लोग इधर देखो, ये तो सेक का था, अभी बनाना है हमें सेक इनवर्स, क्या बनाना है सेक इनवर्स, थोड़ा सा बोर्ड को इस तरफ कर दूं, देखो सेक इनवर्स एक्स बनाने के लिए आप लोग इधर नोटिस करो, यहां पे जो चीज एक्स एक्सिस में था वो वहां पे कहां पे चला जाएगा वाई एक्सिस, और जो यहां पे वाई एक्सिस में था वो इधर कहां पे आएगा एक्स एक्सिस, तो सुनो तब तो ये होगा 1 और ये होगा माइनस 1, दिस इज आर 90, दिस इज आर 180, दिस इज आर 270, अगेन दिस इज आर 360, लाइकवाइज वी कैन मूव, ओके, तो यहां से डॉटेड लाइन खींचो, ध्यान से सुनना, इसको नोटिस करो, तो कहां से 1 से मुड़ गया, तो यहां पे भी आपका 1 से इस तरफ जाएगा, टच नहीं होगा, ओके, और ये माइनस 1 से जुड़ जाएगा कहां पे इसमें, ठीक है, अभी इसका रेंज देखना है तो अच्छा डोमेन बताओ इसका क्या होगा, इसका डोमेन बता के देखो, ये सेक इनवर्स एक्स का डोमेन बता के देखो, एक्स का कौन कौन सा वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एनी वन प्लीज गिव अ ट्राई, ना दिस इज नो लाइक दिस यू कैन आंसर, ना आई एम एड्रेसिंग यू गाइस, डोमेन, डोमेन मतलब क्या होगा ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन एग्जिस्ट, देखो फंक्शन मतलब ये कर्व है, ये फंक्शन यहां ऐसे होके जाते ही रहेगा, आगे तक जाते ही रहेगा, ठीक है, समझ गए, फिर यहां से भी बैंड होके ऐसे आगे आते ही रहेगा, ठीक है, समझ रहे, ये देखो नहीं है,
देख रहे हो हैं, इस तरफ भी जाते रहेगा उस तरफ भी जाते रहेगा, बट ये बीच में फंक्शन का कर्व ही नहीं है क्या है? किसके बीच में फंक्शन का कर्व नहीं है? माइनस वन और वन का बीच में फंक्शन का कर्व नहीं है, माइनस वन और वन को छोड़ के बाकी सब में फंक्शन है ना, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? ऑल द रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग माइनस वन टू वन। समझा क्या बोला? देख ये माइनस वन से इस तरफ फंक्शन है, ये कर्व को फंक्शन बोल रहा है सेकंड रूल से, प्लस वन से उस तरफ भी फंक्शन है ना, तो किसका बीच में नहीं था? बोलने से माइनस वन और प्लस वन के बीच में फंक्शन नहीं था, तो क्या होगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग माइनस वन टू प्लस वन। आप लोग टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना, डोमेन वहां पर दिखाई देगा। अभी रेंज ऑफ द फंक्शन यहां पर देखो, वन कब हुआ था? जीरो डिग्री में है ना, ये वन जीरो डिग्री में होता ना। ये माइनस वन कब हुआ था यहां पर? रेंज देखने के लिए किसको? वाई एक्सिस को देखना बोला था कि नहीं? ये सुनो, तो देखो यहां वन हुआ था जीरो डिग्री में, और ये कर्व यहां पे डिसकंटिन्यू मार के यहां से फिर से स्टार्ट हुआ, तो माइनस वन कब हुआ था? ये माइनस वन कब हुआ था? कितना में? 180 है ना, तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो क्या होगा? 0 टू क्या होगा? पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू। ध्यान से कैसा लिखा मैंने, कंफ्यूज मत हो ना, 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू मतलब क्या? देखो ये जो कर्व गया नो डाउट, ये कर्व भी इधर आया नो डाउट, बट पाई बाई टू को इसने भी टच नहीं किया, इसने भी टच नहीं, एक्चुअली तो टच हो गया है, वो टच नहीं होता है ऐसे करके जाए। क्यों टच नहीं हो रहा है? क्योंकि सेट 90 क्या होता है? नटिफाई। क्या होता है? नटिफाई। तो ये कर्व 0 से लेके 180 तक इसका रेंज है, बट बीच में 90 आता है, 90 में ये टच नहीं कर रहा है, मतलब 90 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो सेक इनवर्स का रेंज 0 टू पाई है एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू, मीन sec इनवर्स x का वैल्यू 0 से लेके पाई बाई पाई का बीच में कुछ भी होगा, बस क्या नहीं होगा? पाई बाई टू। इज दैट क्लियर? समझ में आप लोगों हैं? पक्का है ना? चलो ग्राफ बनाओ, उसको इस बना लिया है। नेक्स्ट और क्या बचा है? और एक बचा है cosec इनवर्स x। क्या बचा? cosec इनवर्स x। तो पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे कोसेक एक्स का। तो देखो इधर, कोसेक एक्स ग्राफ मेकिंग समझ में आया? प्रॉपर्ली सीरियसली समझ में आ रहा है? हाँ इजी है यार, ध्यान से थोड़ा देखो। चलो कुछ भी नहीं, मैथमेटिक्स इज टू इजी सब्जेक्ट, हमको तो बहुत मजा आता है, तुम्हें तो कोई मजा आ रहा है कि नहीं? थोड़ा आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है? मजा जब आएगा ना, और जब से मजे लेने लगोगे ना, और जब से लत लग जाएगी मैथमेटिक्स का, एडिक्शन जिस दिन हो जाएगा उस दिन से मजा ही आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या पता है? मैथ्स पढ़ के अगर आंसर्स निकल गए, सोचा ही नहीं था कि आंसर निकल पाओगे, निकल गया, बहुत खुशी मिलती है। तुम लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना? आंसर नहीं आने से भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है ना, इक्वल लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी है, उससे ज्यादा लेवल में हैप्पीनेस भी है। ट्राई करते रहना। देखो मुझे क्या जरूरत थी, पहले आपके ऑनलाइन क्लासेस लगवाया, अभी फिर तुम लोगों को ऐसे दिखा दे रहा हूँ, है ना? हाँ, तो मतलब एडिक्शन है मैथ्स का, इसलिए तो हाँ। दिस इज माय फिफ्थ क्लास ऑफ दिस डे, आज का, आज का मेरा ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिफ्थ क्लास है। सुबह 7 बजे से नॉन स्टॉप, तुम्हें सब सुबह 7 बजे भी आओगे तो मुझे यहीं पे मिलोगे, 8 बजे कहीं बाहर जाता हूँ, फिर से फिफ्थ क्लास है। इधर देखो, कोसे एक्स एक्सिस
जीरो 90, 180, 270, 360, माइनस 90, माइनस 180, माइनस 270, माइनस 360, ओके, अभी सुनना। एक चीज बताओ, थोड़ा सा इसको इधर घुमाओ, लो अभी सुनो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके, कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 2, कोसेक 45 रूट 2, कोसेक 60 2 बाय रूट 3, कोसेक 90 1। क्या हो रहा है? जीरो से 90 जब जा रहे हो आप लोग, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स जीरो टू, फ्रॉम जीरो टू 90, द वैल्यूज आर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसे तो पूरा डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ पे पूरा आवाज आएगी। जीरो से 90 के बीच में वैल्यूज ग्रेजुअली क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। नॉट डिफाइन था, टू आया, रूट टू हुआ, टू बाई रूट थ्री हुआ, फिर क्या आया? वन। इज दैट क्लियर? यस सर। ये जीरो है ना, और ये क्या है? 90। जीरो और 90 का बीच में कहां पे नॉट डिफाइन था बच्चों? और सबसे कम की वैल्यू कौन सा है? नहीं, कितना है? वन। कब होता है? 90 में होता है ना, ये वन लगा दो, तो जीरो में नॉट डिफाइन था, ध्यान से सुनो, एक चीज बताता हूं, इधर देखो, कोसेक जो है ना 90 का ऑड मल्टीपल में, 90 का क्या होगा? ऑड मल्टीपल में प्लस माइनस वन होगा, 90 का इवन मल्टीपल में जीरो होगा। क्या बोला? 90 का ऑड मल्टीपल में क्या होगा? प्लस माइनस वन, और 90 का इवन मल्टीपल में क्या होगा? जीरो। ध्यान दें, ये जीरो है ना, जीरो मतलब क्या होगा? जीरो को मैं 90 इंटू जीरो लिख सकता हूँ, 90 इंटू जीरो लिख सकता हूँ, 90 इंटू जीरो तो जीरो ही होगा ना, तो जीरो जो 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए क्या होगा? नॉट डिफाइन। टच किया क्या? कि ये जीरो जो, ये जो जीरो है ना, यहाँ पे एंगल, इसको ये कर्व ने टच नहीं किया, नॉट डिफाइन। ये कितना है बता? 180 है ना, समझ रहे हो? 180 मतलब क्या होगा? 90 इंटू टू होगा, 90 इंटू टू 180 होता है, क्या होता है? होता है ना, टू फिर से 90 का इवन मल्टीपल है कि नहीं? तो देखो, ये कर्व इधर आया, बट इसने 180 वाला मार्क को टच नहीं किया, नहीं किया ना, तो इसका मतलब कोसेक जो है 180 का इवन मल्टीपल में, 90 का इवन मल्टीपल में क्या होता है? तुम्हारा जीरो लिख के रखा है मैंने, वो मतलब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? नॉट डिफाइन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? नॉट डिफाइन। समझ गए हो? मैं जीरो लिख रहा था, अभी समझ में आया? ओके, और वन कब होता है? 90 का ऑड मल्टीपल में। तो देखो, ये 90 है ना, यहाँ पे 90 मतलब क्या होगा? 91 जो 90, समझ में आ रहा? तो 91 जो 90 मतलब ये 90 जो 90 का ऑड मल्टीपल है, इसलिए उसका वैल्यू यहाँ पे कितना हो? वन। समझे? यस। ये ग्राफ का सीखने का टेक्निक है। अब सुनो, ये माइनस 90 है ना, ये कितना है? माइनस 180 है ना, तो इधर देखो, ये 1 था, तो 1 के इक्वल नीचे में आओ, ये माइनस 1 आएगा, ठीक है? तो क्या होगा? एम ऐसे करके कर बना, दिखाई दे रहा है? है? ये हो गया हम लोग का कोसेक का ग्राफ। किसका? कोसेक। मैं इसको मिटाने वाला हूं तो कोसेक इनवर्स बनाने के लिए, बट यहां पे स्पेस आता है तो कोसेक इनवर्स को
नहीं मिटा के भी बनाया जा सकता है। अरे दो, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है पक्का? तो ठीक है, इसको मैंने मिटाना है। अभी बनाना किसको बताओ? कोसे इनवर्स। तो सुनो, जैसे मैंने पहले बताया था वही चीज यहां पे अप्लाई करेंगे। अभी y एक्सिस में ये जीरो, ये कितना आएगा पाई बाई टू, ये कितना आएगा पाई, दिस विल बी थ्री पाई बाई टू एंड दिस विल बी टू पाई। सिमिलरली विल हैव माइनस पाई बाई टू, देयर वी हैव माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू, जाते रहे। ओके फाइन। तो सुनो, यहां से डॉटेड लाइन खींचो, ये वन, ये माइनस वन। तो ये वन से यहां से ये कोसेक का कर्व इधर जाएगा, और ये 90 है, यहां पे माइनस वन होता है, माइनस वन से डन। तो सुनो, इसका अभी डोमेन बोल के देखो, इतना देर हो गया समझाने वाला, इसका डोमेन बोल के देखो। एनीबॉडी प्लीज डोमेन। हाँ तुम लोग बोल रहे थे, और किसको बोलेगा? जल्दी जल्दी सब रियल नंबर। वाह, आई जस्ट लव दैट, हाई फाइव। क्या बोला? सब रियल नंबर वन और माइनस वन को छोड़ के। ऑल डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी ऑल द रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग माइनस वन टू वन। क्यों? देखो, ये माइनस वन और वन का बीच में तो फंक्शन आया नहीं है ना, उनको छोड़ के बाकी सब में फंक्शन है, तो सब रियल नंबर्स रहेगा, बस माइनस वन से लेके वन का बीच का नहीं रहेगा, दैट इज द डोमेन। ऑलराइट, देखो ऑन, समझ में आया ना? और तुम लोग को समझ में आने से हमको खुशी मिलती है, मतलब उसने उसके जवाब दिया ना, हम करेंगे सेटिस्फाई, इसीलिए मेहनत दोनों तरफ से होना चाहिए। ऑलराइट, तो इधर देखो, अभी रेंज भी बता दिया तो पता नहीं खुशी का ठिकाना इतना ना हो जाए कि मैं जंप भी कर दूं। चलो कोई रेंज बताओ, अभी बहुत मेहनत किया मैंने ग्राफ पे। रेडी, वन टू थ्री, वन टू थ्री, कौन बताएगा रेंज? एनीवन प्लीज। रेंज देखने के लिए ये करना, y एक्सिस को देखना है, तो यहां पे कोई बॉटम लाइन, यहां पे कहां पे माइनस वन में है ना, और यहां पे क्या आया है प्लस वन है ना, तो माइनस वन से प्लस वन तक माइनस, ये ऐसा। अभी रेंज काउंट करने के लिए यहां से यहां तक और यहां से ये यहां तक जो गया था ना, जाने का टाइम में एंगल कहां से कहां तक गया y एक्सिस में स्ट्रेच करके गए, माइनस पाई बाई टू टू प्लस फाइव है कि नहीं? हम क्या बड़ा समझ रहे ना, यहां से तो फंक्शन वापस आया था ना इधर, और यहां से भी फंक्शन इधर वापस चला गया था ना, तो जब वन हुआ था और जब माइनस वन हुआ था तब एंगल में कितना स्ट्रेच आया था, माइनस फाइव बाई टू टू पाई बाई टू। वेट ए मिनट, माइनस फाइव बाई टू टू पाई बाई टू तो है, बट बीच में एक एंगल है जिसको टच नहीं कर रहा था। ये कर्व देखो, ये जीरो है ना, ये जीरो को यहां पर टच किया था क्या? नहीं। इसको भी देखो, जीरो को इसको टच किया था क्या? नहीं। तो रेंज जो क्या होगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग व्हाट? जीरो। समझा? क्योंकि ये जब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था
तो रेंज जो माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू था बट किसको एक्सक्लूड कर रहा था जीरो को, तो इसलिए रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स बोलने से क्या होगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो। अभी आप लोग टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 40 में जाके रेंज जो मैंने निकाल दिया ग्राफ बना के उसको वहां पर टेली करके देखो कोसेक इनवर्स का मिला क्या, कितना दिया रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो है ना। सेक इनवर्स का रेंज जीरो टू पाई ऐसा दिया है एक्सक्लूडिंग क्या बोला 90 है। टैन इनवर्स का रेंज स्मॉल ब्रैकेट में माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू है, दैट मीन्स हमने सब इनवर्स फंक्शंस का रेंज निकाल लिया डोमेन भी निकाल लिया। नाउ हम लोग रेडी हैं द फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 के लिए जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।